मार्वल के पांच ऐसे वेपन्स जिन्हें उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये वेपन्स हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर के लिए बनाए गए हैं। नंबर 5 पे है म्योनिर। मार्वल कॉमिक्स में म्योनिर एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे थॉर ने गैलेक्टस, थेनोस और सेलेस्टियल्स जैसे पावरफुल एंटिटीज का सामना किया है। और बात करें म्योनिर के पावर्स की, तो इससे थॉर उड़ सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और लाइटनिंग अटैक कर सकता है। लेकिन जो चीज म्योनिर को सबसे खास बनाती है वो है उसमें ओडिन का एन्चेंटमेंट। नंबर 4 पे है गंगनीर। गंगनीर रो मेटल से बना एक ऐसा पावरफुल स्पीयर है जिसे एसगार्ड के रूलर यूज करते हैं और इससे मारा हुआ लाइटनिंग स्ट्राइक कभी भी चूकता नहीं है। साथ ही साथ इसे माइंड से भी कंट्रोल करा जा सकता है। नंबर 3 पे है ओडिन स्वॉर्ड। तो ओडिन स्वॉर्ड ओडिन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। इस स्वॉर्ड को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी के भी हाथों में होगी उसके पास पूरे मैनकाइंड को खत्म करने की ताकत होगी। नंबर 2 पे है स्टॉर्म ब्रेकर। एमसीयू की बात करें तो स्टॉर्म ब्रेकर अभी तक का सबसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन है जिसे सिर्फ एसगार्ड के किंग ही समन कर सकते हैं। इससे अपना थॉर उड़ सकता है, बायफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को फाड़ता हुआ थानोस की छाती चीर सकता है। एंड नंबर 1 पे है नेक्रो स्वॉर्ड। नल की नेक्रो स्वॉर्ड गौर के साथ साथ थॉर के पास भी रह चुकी है। गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन के दौरान थॉर गौर से नेक्रो स्वॉर्ड को छीन लेता है।